नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अब से 8 दिन बाद यानी कि 27 नवंबर से हो रही है। फिलहाल टीम इंडिया के खिलाड़ी क्वारंटाइन में है और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारतीय टीम यहां पर 69 दिनों के लंबे दौरे पर है जहां पर 3 T20, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और बड़ी बात यह है कि फिलहाल शुरुआत वनडे सीरीज से होगी 27 नवंबर से। अब आपको बता दें कि क्या भारतीय टीम, इस पर बात करनी जरूरी है कि रोहित शर्मा के बिना टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। एटलीस्ट टेस्ट का तो नहीं कह सकते लेकिन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में, क्योंकि अगर आप लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करें तो भारतीय टीम कहीं ज्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से मौजूदा स्थिति को अगर आप देखें। तो रोहित शर्मा के बिना अगर टीम इंडिया जा रही है तो आपके लिए ओपनर कौन होंगे? देखिए, शिखर धवन आपकी फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप शिखर धवन के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे या मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो होंगी वो फास्ट विकेट्स होंगी, उस लिहाज से हालांकि भले ही शुभमन गिल कम एक्सपीरियंस हैं लेकिन युवा हैं, तेज तर्रार बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। केकेआर के लिए उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो उस लिहाज से शुभमन गिल शायद फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, लेकिन मयंक अग्रवाल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा की मौजूदगी में मयंक अग्रवाल को एक मौका जरूर मिलेगा वनडे सीरीज में, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में भी टीम का पार्ट है और उन्होंने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में जब रन बनाए थे, डेब्यू किया था, तो जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था। तो मयंक अग्रवाल शायद फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा रोहित शर्मा की कमी खलेगी, क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर दो में से कोई एक भी रहता है तो ऑस्ट्रेलियंस में वो खौफ रहता है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन दोनों का ही रिकॉर्ड जबरदस्त है, खासतौर पर रोहित शर्मा का। हम सभी जानते हैं कि पीली जर्सी देखकर रोहित शर्मा को माता आ जाती है। ऐसे में बीसीसीआई भी इस विवाद पर ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। बीसीसीआई कह रहा है रोहित शर्मा इज हाफ फिट, रोहित शर्मा उसके बाद आईपीएल के लास्ट के मैचेस खेलते हैं। फिर बीसीसीआई की तरफ से दादा ये बयान देते हैं कि जो भी चीजें हैं वो बीसीसीआई और प्लेयर्स के बीच में है, ना जनता को इंटरफेयर करने की जरूरत है ना मीडिया को इंटरफेयर करने की जरूरत है। लेकिन द ग्रेट सनील गावस्कर साहब ने ये बात कही थी कि फैंस को ये हक है, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स हो या इंडियन क्रिकेट हो या इवन बीसीसीआई हो, ये फैंस की बदौलत ही है। अगर फैंस नहीं देखेंगे मैचेस या फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ना ही आपको ब्रॉडकास्टर्स मिलेंगे और ना ही आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ये बात बीसीसीआई को समझनी होगी। उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा रोहित शर्मा की कमी टीम इंडिया को खलेगी। बड़ी बात यह है कि कई दिग्गज खिलाड़ी भी बात कह चुके हैं कि रोहित शर्मा को आखिरकार क्यों बाहर किया गया, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए कि नहीं भाई आपने रोहित शर्मा को बोल दिया कि रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण उनका हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को आपने एक ऐसे टूर से बाहर कर दिया, या तो फिर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आपके लिए रोहित शर्मा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा संदेह जरूर हो रहा है। हालांकि टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा रहेंगे, इवन विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद नहीं रहेंगे, तो फिर रोहित शर्मा का एटलीस्ट वहां पर रहना जरूरी है। द ग्रेट ग्लेन मैकग्रा ने भी ये बात कही है कि रोहित शर्मा अगर अपनी रिदम को पा लेते हैं, और ये वनडे और T20 सीरीज अच्छा मौका था रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी रिदम को तलाश लेते तो वो टेस्ट सीरीज में बैंड बजा सकते थे ऑस्ट्रेलियाई टीम की, अभी भी बजा सकते हैं हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक जो थोड़ा रमने के लिए जो आपको ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड की जो महक चाहिए, जो कुका बुरा बॉल देखना होता है ना, वो बड़ा जरूरी है। आप डायरेक्ट रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करेंगे, आपने कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेली, आपने कोई T20 क्रिकेट नहीं खेली, ऑनली यू हैव प्लेड दी आईपीएल, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए रोहित शर्मा को भी अपनी तैयारियां काफी जोरों शोरों से करनी होंगी। हालांकि फैंस जो कई मैसेजेस मेरे पास आए हैं, गोपाल शर्मा जी का कल मैसेज आया था, उसके बाद शिखा आहूजा का मैसेज आया है कि रोहित शर्मा को होना चाहिए वनडे T20 स्क्वाड में, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा इंक्लूडेड होने चाहिए थे स्क्वाड में। अब क्यों नहीं है, क्या है, ये विवाद अभी थमा नहीं है और शायद लगता भी नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन विराट एंड रोहित। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको देखना जरूरी है, जिनको समझना जरूरी है। अब देखना है कि बीसीसीआई इन सभी चीजों पर क्या फैसला लेती है। सिलेक्टर्स का तो काम समझ में आ ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या टीम डिसाइड कर रहे हैं। ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को आप मौका नहीं देते हैं, उसके बाद संजू सैमसन जो फ्लॉप रहे हैं शुरुआती कुछ मैचेस में ही रन बने उनके, संजू सैमसन को आपने सेकंड चॉइस विकेट कीपर रख दिया, ऋषभ पंत को आप टेस्ट में लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर गौर करना है भाई, क्योंकि आप अगर खिलाड़ियों को नहीं रखेंगे टीम में तो फिर ये सही नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने रन किया, आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये खिलाड़ी आपके लिए और क्या करे, प्रदर्शन कर रहा है, अपने आप को साबित कर रहा है, आप उनको दीजिए मौका, सिलेक्टर गो एंड प्ले। ये तमाम चीजें हैं जिनको देखना होगा। तो अब देखते हैं
कि सिलेक्टर्स आगे क्या फैसला लेते हैं, लेकिन रोहित के बिना एक बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया कमजोर जरूर नजर आएगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।